जब कोई फिल्म में ह्यूज ब्लॉकबस्टर होता है तभी उस फिल्मों का सीक्वल बनाए जाते हैं। और आज मैं ऐसे ही बॉलीवुड का कुछ अपकमिंग हाइप सीक्वल के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों ये वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। पावन पुत्रा भाईजान, और जहाँ पर भाईजान सलमान खान का फिल्म बजरंगी भाईजान को सिर्फ सलमान का कैरियर में नहीं बल्कि बॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है। और इसका सीक्वल आ रही है पावन पुत्र भाईजान, जिसको डेट करेंगे कबीर खान ने, और ऑलरेडी इसका स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। और इसमें भाईजान सलमान खान के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप पे करीना कपूर को नजर नहीं आएंगे। हाँ दोस्तों, अभी लीड एक्ट्रेस होंगे पूजा हेगड़े, और इस पार्ट में होगा फर्स्ट पार्ट से कई गुना ज्यादा इमोशनल टच। नंबर टू, OMG 2, और ये अपकमिंग सैट्रिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर यह होगा OMG का सेकेंड पार्ट, जहाँ पर खिलर अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम लीड रोल में नजर आएंगे। और इसका स्टोरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगा, और ये फिल्म इसी साल रिलीज करने का प्लान है। नंबर थ्री, वॉर 2। और 2019 में बॉलीवुड का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है वॉर, और जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और सिद्धार्थ आनंद और एक बार अपनी इस फिल्म का सेकेंड पार्ट को लेकर आ रही है, जहाँ पर ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2 पे जॉन अब्राहम को नजाएंगे, यानी कि दोनों का बराबर टक्कर इस फिल्म को लेने वाले हैं एक अलग लेवल पे। नंबर 4, थ्री इडियट्स 2, जहाँ पर 2009 में ह्यूज ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थ्री इडियट्स, और जो हर एक मूवी लवर्स के लिए एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। और रिसेंटली इस फिल्मों का पार्ट 2 को लेकर एक हिंट दी गई है, जहाँ पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, शर्मा जोशी और आर माधवन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर है। दोस्तों आप और एक बार रांचो का इन तीनों दोस्त को ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड है। नंबर 5, गदर 2, द कथा कंटिन्यूज, जहाँ पर यह होगा अपकमिंग प्योर एक्शन ड्रामा फिल्म, जहाँ पर एक बार सनी देओल के साथ अमीषा पटेल लीड रोल में नजर आएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि गदर उस टाइम का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आइकॉनिक फिल्म था, और अभी लगभग 22 साल के बाद इसी फिल्म का सीक्वल को लेकर फैंस ने काफी एक्साइटेड है। और जहाँ पर गदर 2 का बजट रखा गई है 100 करोड़, और ये फिल्म 11 अगस्त रिलीज होगा। नंबर 6, ड्रीम गर्ल 2, और यह अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जहाँ पर 2019 में ब्लॉकबस्टर फिल्म आया था ड्रीम गर्ल, और जहाँ पर आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें आयुष्मान को सिर्फ लड़की का ड्रेसअप नहीं बल्कि लड़की की वॉइस में भी देखने को मिलेगा, और ये फिल्म रिलीज होगा इसी साल 7 जुलाई। नंबर 7, यारिया 2, और ये अपकमिंग म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगा, जहाँ पर बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता, पल्लवी और दिव्या कोशला को लीड रोल में रसाएंगे। और इसमें तीनों यंग लड़का का बेंगलुरु पे अपनी ड्रीम और एक्सप्लोरेशन को दिखाया जाएगा, और रिलीज होगा 20 अक्टूबर। नंबर 8, गो गोवा गॉन 2, और ये अपकमिंग जॉम्बी एक्शन कॉमेडी फिल्म होगा, जहां पर एक बार सैफ अली खान, कुणाल खेमू और वीर दास को लीड रोल में नजाएंगे। और सभी लोग जानते हैं इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2013 में, और जो फैंस को काफी इम्प्रेस्ड किया है। और तो दोस्तों ये फिल्म उस वक्त का इंडिया का फर्स्ट जॉम्बी कॉमेडी फिल्म था। नंबर 9, मेट्रो इन दिनों, और ये अपकमिंग एंथोलॉजी फिल्म होगा, जिसको डायरेक्ट करी है अनुराग बसु ने, और ये होगा 2007 का लाइफ इन मेट्रो का सेकेंड पार्ट, जहाँ पर आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, कंकना सेन, अली फजल, फतिमा सना लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा, और ये फिल्म रिलीज होगा इसी साल 8 दिसंबर। नंबर 10, इश्क विश्क रिबाउंड, ये अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर रोहित सराफ, जन्म राज और नायला अग्रवाल को लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर यह होगा 2006 का शाहिद कपूर का इश्क विश्क का सेकेंड पार्ट, और अभी फिल्म का शूटिंग चल रही है। तो ये रहा बॉलीवुड का कुछ अपकमिंग सीक्वल यानी कि पार्ट 2 का फिल्मों के बारे में। तो इस लिस्ट पर आप कौन सी फिल्म का सेकेंड पार्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए, और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मलेशियन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।